हेलो. ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, इन दिस क्वेश्चन व्हाट हैपेंस दैट आई एम द कस्टमर एंड माय चाइल्ड इज हैविंग प्रॉब्लम इन हिज आईज. ओके, एंड आई जस्ट वांट कैंसिलेशन. आई ट्राइड योर 15 डेज बिकॉज इन बायजूस देयर इज अ 15 डेज रिफंड पॉलिसी. ओके, आई जस्ट वांट माय मनी बैक. ओके, माय 15 डेज आर ओवर, आई पेड द डाउन पेमेंट, नाउ आई वांट कैंसिलेशन ऑफ माय प्रोडक्ट. आई डोंट वांट टू पे ईएमआई फर्दर because my child is facing a really bad eye issue. Okay, then how will you convince me? Okay, it started. So I'm telling you, Amit sir, now I don't want to pursue this course as my child is facing really, really bad issue in his eyes, and doctor suggested him to take rest and stay away from all the gadgets. So I really want to cancel this product. I really don't want it. एक्चुअली कि मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे कि जो हमने बायजूस के थ्रू जो टेप टेप दिया है उसके अंदर जो उसको पहले से ऐसा डिजाइन किया गया है कि जो अल्ट्रा वायलेट जो भी अपने इसमें रेडिएशन जो अपने आईज पे इफेक्ट कर आईज पे निकलती है फोन में से, हेलो, वो इफेक्ट नहीं करती है. उसको अब ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो रेडिएशन अपने आंखों को इफेक्ट नहीं करती है. आई थिंक मैं आपको जैसे कि वो इफेक्ट नहीं करती है, आपको आई थिंक ये बताया गया होगा पहले कंपनी के द्वारा. सेकंड थिंग इज बताया गया है अमित जी, मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं, मेरे बच्चे की आईज में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया है, मुझे चाहिए ही नहीं. आप अपना टैबलेट ले लीजिए, मुझे कैंसिलेशन चाहिए. आई विल नॉट पे ईएमआई. नहीं मैम, आपको कन्विंस करना चाहूंगा कि जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमने अब जो प्रोडक्ट दिया है, जो ये टेप दिया है, ये प्रूव्ड, ये जैसे कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द्वारा जो लिनोवा का जो है ये स्पेशली डिजाइन किया कराया गया है बायजूस कंपनी के द्वारा लिनोवा कंपनी से कि वो रेडियो बच्चों की आंखों को इफेक्ट न करें. तो उसके लिए मैं आपके पास कोई प्रूफ है इसका कि वो आई सेंसिटिव नहीं है? आप कैसे बोल सकते हो कोई भी गैजेट जो बच्चे पास से देख रहा है वो आई सेंसिटिव तो होगा उसके लिए, राइट? मैं कुछ टाइम के लिए मेरे बच्चे को रेस्ट के लिए बोला है, मैं उतने टाइम के लिए अपनी ईएमआई क्यों वेस्ट करूं? नहीं मैम, मैं आई थिंक ये भी हो सकता है कि आपके बच्चे के प्रॉब्लम्स पहले से ही हो, प्रॉब्लम आंखों के अंदर पहले से नहीं थी उसको, अभी उसको 10-15 दिन से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, तभी तो मैं कह रही हूँ मुझे टेबलेट चाहिए ही नहीं. आप रख लो अपना टैबलेट. मैम मैं कंपनी से एक मेल डाल के और इस प्रोडक्ट जो भी हमने आपको टेप दिया है इसके लिए मैं आपको टेप चेंज करवा के दे सकता हूँ, लेकिन आपकी कैंसिलेशन जो पॉलिसी थी 15 डेज की, चेंज क्या कराओगे आप? मुझे गैजेट ही नहीं चाहिए ना उसकी लाइफ में, आप समझो इस बात को. आई डोंट वांट गैजेट्स. आप ले लो वापस इसको, मैं ईएमआई नहीं पे करना चाहती अब. मैम उसके लिए तो अब वन मिनट में ये कंपनी के द्वारा प्रूव्ड है लेनोवा का जो आपने टेबलेट दिया है इसके अंदर ये फीचर्स पहले से ऐड है, और जब भी आपको टेप दिया गया था आपको ये चीज आई एम श्योर कि आपको बताई गई होगी. अब आपके जैसे कि 15 डेज का बताया गया, आप ही तो सेल्स पर्सन थे, आपने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं. आपने मुझे कुछ नहीं बताया, मैं गलत थोड़ी मैं कह रही हूँ, इसीलिए मुझे चाहिए ही नहीं. तो इसके लिए मैं आपको मैं मेल डालता हूँ अपने सीनियर्स मैनेजर्स वगैरह को, और मैं आगे फर्दर प्रोसेस के लिए आपको मैं दोबारा कॉन्टेक्ट करूंगा. इतने दिन आप मेरा कैंसिल करिए प्लीज. मैं मैनेजर्स वगैरह से कंसर्न करके ही आपको आगे बता पाऊंगा, मैं कुछ इसमें कंफर्म करने कर नहीं सकता मैम. तो आप अभी कोई स्टैंड नहीं लोगे हमें, यू जस्ट क्विट डाउन लाइक दैट? नहीं नहीं मैं स्टैंड ले रहा हूँ मैम कि मैं जैसे कि मैंने आपको आई थिंक मैंने बताया आपको, आई थिंक आप उस टाइम नहीं सुन पाएंगे, आपको ध्यान में नहीं होगा, लेकिन इसमें मैं जो ये नहीं सुन पाई होंगी, आप कैसे कह सकते हो? मैंने इतना अमाउंट दिया, मैंने डाउन पेमेंट दिया है, मेरा बच्चा मेरा पैसा और मैं ही नहीं सुनूंगी, ऐसा कैसे हो सकता है? आप तो मुझे सारा ब्लेम डाल रहे हो. ध्यान नहीं होगी लेकिन मैंने ये फीचर्स बताया था, और आई थिंक नहीं सर, मैम आई एम श्योर हूँ कि इसमें ये फीचर्स ऐड है. आपके बच्चे को पहले से ही वो प्रॉब्लम्स थी जो अभी आप अपने मैनेजर से बात करिए एंड मुझे प्रोसीडिंग बताइए. अभी मुझे कोर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है और अब तो बिल्कुल भी नहीं है.
आपने मेरे पे सारा ब्लेम डाला है, मेरा आप कैंसिलेशन करिए। मैम आपको 15 डेज की जो पॉलिसी रिटर्न्स पॉलिसी थी उसके अंदर आप उसको क्रॉस कर चुके हूँ, मैं अभी मैनेजर से कंसर्न करके ही आगे आपको बता। मुझे रिफंड चाहिए नहीं, मैं ये सोचूंगी कि मैंने डोनेट कर दिया पैसा, मुझे रिफंड नहीं चाहिए, मैं ईएमआई नहीं भरूंगी, आप मेरा कोर्स कैंसिल करिए, बस मुझे रिफंड नहीं चाहिए, आप कैंसिल करिए मेरा कोर्स। मैम मैं आपकी जो समस्या है उसको मैं समझ पा रहा हूँ, आगे मैं मैनेजर्स को मेल डाल के आपके लिए बातचीत कर, इस चीज के इस प्रॉब्लम के लिए मैं आप बातचीत करूंगा आगे। आई थिंक आप एक बार प्लीज कूल डाउन हो एंड इस चीज को समझो कि मैंने आपको बताया था, और ये चीज मैं श्योरिटी से साथ कह सकता हूँ, और आपको मैं टैब में ये चीज दिखा भी सकता हूँ। मुझे चाहिए नहीं, आप मेरा रिफंड कैंसिलेशन करिए, मुझे आपका ये कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, आप बस मुझसे ये कह रहे हो ये मेरे बच्चे के लिए ठीक नहीं है, आप समझो एक डॉक्टर से ज्यादा थोड़ी ना जानते हो आप, डॉक्टर मुझे बोल रहा है कि टैबलेट से फोन से दूर रखो, तो आप कैसी बातें कर रहे हो, आप समझिए इस बात को, आप मेरा कैंसिलेशन रिक्वेस्ट करिए बस। मैम वो कैंसिलेशन मैं आपके लिए 15 डेज तक हो सकता था मैं डालता, लेकिन अब आपने आप उस चीज को रिफंड बोला था आपने, आप मुझे प्रोसीडिंग दीजिए, कैंसिल करिए आप मेरा, मुझे रिफंड चाहिए ही नहीं आपका। मैम मैं अपने सीनियर से बात करके आपको आगे बता सकता हूँ, इसमें कोई स्टैंड नहीं ले पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, वी विल प्रोसीड इन द फीडबैक सेशन, डोंट वरी, जस्ट डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, यू नो गिव योर बेस्ट एंड यू आर डूइंग बेस्ट, ट्रस्ट मी यू आर गिविंग योर लेवल बेस्ट, ओके, that's why there is a feedback session so that in the main interview it can improve, okay, okay ma'am. It will happen with everyone, don't worry, don't panic, it happens, okay. Don't worry, okay, just be cool, okay, so now we move towards the next question, those are the general questions, okay, so the first question is that are you ready to sign a bond with Byju's, there is a 10 yes. lakh rupees bond. Okay, ma'am. I am ready. You are ready. There is 10 lakh rupees bond. If you quit in 1 year, then you have to pay 10 lakh rupees and 3 months salary. Okay, ma'am. I am ready for are ready? This one. I am. Okay. Okay. So, are you ready to relocate to Bangalore? Yes, ma'am. You are ready, as you mentioned that you have your father with you and you want to help him. So, is it possible for you to manage to relocate? Yes, ma'am. I managed my sister's financially strong. She is a lab technician in our home district's hospitals, government hospitals. Okay, so you are ready to relocate, right? And I relocated and my hobbies is I am very interested new learning things and in new environments. Very nice. So where do you want to see yourself after 2 years? मैं समझ नहीं पाया, मैं दोबारा repeat करूँ. Where do you want to see yourself in 2 years? As in Byju's or in any other company or in life and professional things. मैम मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ हिंदी में, I think आप मैं ये okay, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि आप 2 साल में अपने आप को Byju's में या अपने professional career में कहाँ देखते हो? As a manager and above. Okay, very good. And in 5 years? And 5 years as a senior manager and upper post, मैं उससे ज़्यादा मैं उसमें post नहीं जानता, senior manager and senior counselor वगैरह वैसे. Okay, so the question is, if you have a rude manager, okay, and he is not going to listen to you, like. He is not interested in your arguments. He is not interested in your suggestions. He is very rude. How will you tackle with such kind of managers? And you want to suggest something good for the welfare of the company. Then how would you manage? Like, what would you do?
मैम उनको जैसे कि बैठ के कन्वेंस मतलब समझाना, मैं उनसे मीटिंग्स लूंगा। दिस इज द पॉइंट दैट ही इज नॉट इंटरेस्टेड. मैं उनको बैठ के मीटिंग लूंगा और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स और जो भी जो इश्यूज क्रिएट हो रखे हैं और जो भी सोच सोच पा रहे हैं, मैं उनको बैठ के मीटिंग लेके और उनको मतलब कि उनके सॉल्यूशन देने की, बेस्ट सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा, ताकि मैं उनको कन्वेंस करके आगे एज ए, क्योंकि वो इस मैम मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन यही है ना, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं एज ए क्वेश्चन सीनियर यही में। है कि रूड है मैनेजर, ठीक है, और आपका वो कोई सजेशन नहीं सुनना चाहते हैं, आपके वो कोई आर्गुमेंट नहीं सुनना चाहते हैं, वो उसको बस परफॉर्मेंस चाहिए आपकी, राइट? आप कंपनी के वेलफेयर के लिए कुछ अच्छा बताना चाहते हो, बट ही इज नॉट गोइंग टू लिसन यू, तो आप क्या करोगे? मैम इसमें मैं पहले उनको, सबसे पहले उनको एक मीटिंग के लिए आई थिंक मैं उनको पूछूंगा, यदि वो मीटिंग्स नहीं, मेरे साथ मीटिंग नहीं करते हैं, वीडियो कॉल मीटिंग्स एंड पर्सनली मीट टू इन ऑफिस, तो मैं उसके बाद में कोशिश करूंगा कि मैं जो भी, जो मेरा आइडियाज, जो वेलफेयर में जो भी नई चीज करना चाहता हूँ, उसको मैं अपने सीनियर मैनेजर वगैरह उनको भी मैं मेल डालूँ, उस वो चीज बताऊं। एंड आई थिंक मेरे को पता है कि इस चीज से मैनेजर अब मेरे पे रूडली बिहेवियर करेंगे और मेरे को टॉर्चर, मतलब आई थिंक मेंटली टॉर्चर किया जाएगा, लेकिन मैं अपनी बात रखने के लिए सीनियर मैनेजर को बिल्कुल मैं मेल डालूंगा और जो भी फर्दर प्रोसेस होंगे मैं उन चीज को बिल्कुल करूंगा, इस चीज से पीछे नहीं हटूंगा, आई थिंक मैं उनको भी मैनेज कर लूंगा। वेरी गुड. सो व्हाट यू थिंक आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस मैम माई एंड हाउ स्ट्रेंथ, वुड यू रिलेट योर स्ट्रेंथ टू बायजूस? माई स्ट्रेंथ इज इंटरेक्टिंग पीपुल्स एंड कन्विंसिंग, कन्विंस अदर पीपुल्स विथ माई आर्ग्यूमेंट्स, एंड माई वीकनेस इज मैं जल्दी से मतलब कि जो पुअर पीपुल्स वगैरह जो होते हैं, मैं उनके साथ जल्दी से उस चीज को मतलब कि बॉटम आई हब, मैं उससे कनेक्ट हो जाता हूँ, आई थिंक मैं उस टाइम सोच नहीं पाता है कि वो मेरे साथ चीट कर रहे हैं क्या है क्या नहीं, उस चीज से मैं थोड़ा सा हो जाता, मतलब कि उनके साथ वो मेरे को एज ए मतलब कि एक गरीब बन के, और मतलब वो मतलब एक आप ओवर जेन्युइन, इमोशनल हो. हाँ ओवर इमोशनल में, यस। ओके 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 ओके. सो द लास्ट क्वेश्चन इज दैट लाइक जस्ट टेल मी दैट व्हिच इज द सेलिब्रिटी हु एडमायर यू द मोस्ट एंड इन व्हाट सेंस. मैम ये क्वेश्चन एक बार हिंदी में बोले तो, ठीक है, अभी मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ, आप समझने का प्रयास करो. ठीक है, नहीं समझ हु प्रयास इज द कर सेलिब्रिटी हु इज द सेलिब्रिटी हु एडमायर्स यू द मोस्ट हु इज द सेलिब्रिटी हु एडमायर्स यू द मोस्ट एज ए बॉस मोस्ट मोस्ट आपको मोस्ट, कौन सी सेलिब्रिटी एट मोस्ट एडमायर करती है? आमिर खान मैम, क्यों? इज ए वेरी क्रिएटिव पर्सन एंड परफेक्टनिस्ट मैन, वो उनको परफेक्ट से अच्छा कुछ नहीं चाहिए मैम, एंड ओके बहुत ओके ओके. क्रिएटिव पर्सन है। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर इंटरव्यू सेशन.